चैलेंज वाइन न्यू लीग रोड में वो लालजी पाड़ा में खड़े हैं। यहाँ दारू पी के बहनों के साथ छेड़छाड़ होना, बच्चियों से के साथ छेड़छाड़ी करना, पुलिस प्रशासन को बोल बोल के थक गए। आज बहनें खुद निकली हैं। आज ये पुलिस प्रशासन को आखिरी चेतावनी है, अगर आपने अंकुश नहीं लगाया तो बहनें रास्ते पर निकलेंगी। सिर्फ ये दारू वालों को नंगा नहीं करेंगी, पुलिस को भी नंगा करके उनको जो कार्रवाई करनी होगी करेंगी। इसलिए अभी भी छेड़ जाइए। आप दो लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, आकर के पुलिस छह लोगों को उठा के ले जाती है। एक क्या संभालने की जवाबदारी बहनों की है? छेड़छाड़ बहनों के साथ होगा, उससे छेड़छाड़ होने के बाद आओगे यहाँ? जो कल पुजारी को मारा गया, मारने के बाद आप कार्रवाई करोगे? रोज रोज की हद हो गई है। एक अड्डा बन गया है दारू पीने का, दारू पिलाने का अड्डा बन गया है। जितने आमलेट वाले हैं, चिकन वाले हैं, सबको उठाए पुलिस। पुलिस की जवाबदारी बनती है, पुलिस ने महानगर पालिका को जो भी प्रशासन से बने करना चाहिए। एक और दो दिन का पुलिस को हम वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं। एक और दो दिन में पुलिस ने नहीं इनको ठीक किया, या तो दारू की दुकान बंद करा दे, या दूसरा इसलिए एक दुकान खुली है दाढ़ी माड़ी की, बंद कराए। महिलाओं की सुरक्षा देने का काम पुलिस का है, दाढ़ी माड़ी क्यों नहीं बंद करा सकते? ये वाइन शॉप क्यों नहीं बंद करा सकते? हमारी बिक्री केंद्र है, आप देख रहे हैं, देखिए देखिए किस तरह से भाग रहे हैं, किस तरह से भाग रहे हैं। देखिए अंडे की दुकान पे आप देखिए, वहां से दारू पीने वाले भाग रहे हैं। इस तरह से यहाँ इस रोड पर दारू पीने वालों का आतंक बच गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस स्टेशन कहीं ना कहीं सभी लोगों से मिली हुई है। यहाँ अंडे बेचने वाले हैं, चिकन बेचने वाले हैं, मटन बेचने वाले हैं, सभी लोगों के साथ मिलकर के पुलिस सबको दारू पिलाती है और हफ्ता वसूल करती है। ऐसा लोगों का यहाँ जो बहने आई थी उन सभी का आरोप है कि जो दारू लेके जाओ ना अपने घर से, ये क्या भेजो? मेरे को चार दिन से लड़कियों का फोन आ रहा है, अंकल जो सीटी मारता है, हॉर्न मारता है। मैं तीन दिन से रोज आता हूँ, तुम्हें तो दारू पिला रहे, मैं तो सौ बोतल देख के कंप्लेन हो रही है। रोज बहने आकर के बोल रही है, आज रास्ते निकल करके उन्हें झाड़ू से काम करना पड़ा। तो इस तरह से आने वाले दिनों में अगर पुलिस प्रशासन नहीं जागेगा, नहीं चेतेगा, तो बहने रास्ते पर ही निकलेंगी नहीं, वो तो यहाँ दारू पीने वालों को मारेंगी भी। और पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी आएगा तो जो इनके साथ व्यवहार करेंगी वही उनके साथ भी करेंगी। लेकिन पुलिस तो कह रही है हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी, हम कार्रवाई करेंगे। आप बताइए कौन सी गाड़ी खड़ी है? आपके कैमरे से बता दीजिए कोई पुलिस का एक कांस्टेबल भी खड़ा हो। गाड़ी तो बड़ी बात की बात है, यहाँ इस रास्ते पर एक कांस्टेबल नहीं, एक पुलिस की गाड़ी नहीं। उनको हम पिछले एक हफ्ते से चेता रहे हैं कि भाई यहाँ दारू पीने का अड्डा बन गया है, बहनों के साथ छेड़छाड़ होता है, बच्चियाँ जाती नहीं है, उनको छिटियाँ मारी जाती है, बोलने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। वो देखो दारू पी रहे कौन? वो देखो ना, नहीं सर। अरे पी रहे, मैं मेरे आँख से देख रहा हूँ, आप मुझे नहीं क्या बोलोगे? वो देखो बियर पी रहे, भगाओ मत भगाओ, हमको जो करना है हम करेंगे, लेकिन इस तरह से ठीक नहीं है। बहनों के साथ, बच्चों के साथ क्या हो रहा है पिछले तीन दिन से? इस तरह से यहाँ बैठ करके दारू पीने का धंधा होता होगा तो गलत बात है। रास्ते पे पी रहे, माँ बहन की कोई, माँ बहन की इज्जत का कोई सवाल नहीं है, किसी की माँ बहन अगर रास्ते पे होगी कोई का फर्क पड़ता है? क्योंकि भाई साहब दारू पी लेंगे बड़े अच्छे हो जाएंगे। धन्य है आप लोग भैया। झाड़ू लेके किसको भगा रही है, क्या कर रही है? हम झाड़ू लेके दोनों लोग को भगा रहे हैं, इसलिए कि हमारे बहन बेटी शाम को इधर से आना जाना को उनको नहीं होता है, बुरी नजरों से बहन बेटियों को देखते हैं। अभी ये सब पुलिस का काम है कि हम लोग का काम है, आप ही बताइए। इधर से आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि हम लोग भाजी भी लेने नहीं जाते हैं इधर से। अभी रास्ते में खड़े होकर इधर दारू पी रहे, शराब पी रहे, कैसा कैसा गंदी गंदी गाली देते हैं, तो कितना खराब लगता है। ये सब कौन रुकावट करेगा? पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती, इस पर पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई नहीं करती है। अब पुलिस नहीं करेगी तो कौन करेगा, आप ही बताइए। पुलिस को तो पैसा मिलता होगा खाने के लिए, पुलिस तो खा के बैठ जाएगी ना।
हमारे बहन बेटियों के साथ क्या होगा तो पुलिस आके देखेगी। गल्लीतून जागा नसते यायला जायला, त्यासाठी आम्हाला ही सुरक्षा करावी लागते, त्याच्यासाठी काहीतरी तोडगा काढला पाहिजे।